बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू parkdeal.com.tk। व्यूअर, इस वक्त मैं जो हूँ पार्क सुजुकी भागलपुर मोटर्स पे हूँ। इस वक्त जो हूँ स्पेशली आपके लिए जो वॉक अराउंड लेके आए सुजुकी जिमनी, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है। सबसे पहले तो माजरत खाऊं अगर वीडियो क्वालिटी और जो है माइक का या ऑडियो सिस्टम का अगर आपको मसला लगे, तो इस वक्त जो है वो हम लोग अपने प्रोफेशनल टीम बैकअप के साथ नहीं है। तो इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो सुजुकी जिमनी जो कि अभी रिसेंटली जो लॉन्च की गई थी कुछ टाइम पहले, ये जो है 38 लाख समथिंग की जो है इसके अंदर प्राइस के अंदर आती है। और नॉन फाइलर और फाइलर्स के लिए जो है इन्होंने फिलहाल सेम रेट रखा है, क्योंकि नॉन फाइलर्स को कार्स नहीं अलाउ। तो आप फाइलर्स होंगे तो ही आपको गाड़ी जो है वो अलाउ की जाएगी। और अगर हम इसके फ्रंट लुक की तरफ चलें तो आप जैसा कि देख सकते हैं एज पर जो जिमनी का जो इसका स्टाइल है एसयूवी कैटेगरी के अंदर कहा जाता है ऑफ रोडिंग के साथ, बट ये प्रॉपर एसयूवी नहीं एज पर जैसे कि आप क्रोला और क्रूजर इसके अलावा आप देखते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर है जो कि एसयूवी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बट अगर फ्रंट हेड की तरफ आप चलें तो फ्रंट हेड में जो है आपको इसकी जो सिंपल जो है स्टाइल जो है आपको ग्रिल मिलती है, सुजुकी का लोगो है, हेलोजिन सिंपल बल्ब है, ना कि इसमें कोई जो है वो जिनॉन हेडलैम्प या HIDs या वाइट LEDs बल्ब भी नहीं है, सिंपल जो आपको बल्ब मिलते हैं साइड पे जो है टर्निंग बल्ब्स, और नीचे फॉग लैंप्स की जो है वो यहाँ पे जगह ऑप्शनल थी। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जहाँ लॉन्च की उसके अंदर तमाम जो है ये फीचर्स है। 660 cc और 1500 cc दोनों वेरिएंट में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में लॉन्च की गई, बट पाकिस्तान के अंदर ये 1500 cc के अंदर आती है। और इसी के साथ जो है नीचे जो है आपको जेट ब्लैक के साथ जो है वो ग्रिल्स मिलते हैं, ना कि इसके अंदर क्रोमिंग का कोई ऑप्शन है। अगर इंजन की तरफ हम चलें तो जैसा कि आप इंजन में देख सकते हैं कि ये 1500 cc के अंदर 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि वैल्यू पर सिलेंडर जो आपको मिलती है वो इसकी 4 मिलती है और ये 16 कंप्रेशन रेशियो के साथ आपको मिलता है। इसके अंदर आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और इसी के साथ जो है वो इसके अंदर जो है इसका कंप्यूटराइज सिस्टम जो है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम ये है। एयर फिल्टर की जगह आपको ये मिलती है, 4 सिलेंडर्स हैं, डिप ऑयल स्टिक है, रेडिएटर ग्रिल है, उसी के साथ जो है आपका यहाँ पर रेडिएटर और इंजन का पानी है, वाइपर की बोतल है, ABS का सेंसर आपको मिलता है इसके साथ, इसी के इससे कैथलेट कन्वर्टर का ये हो कि ये वो उसकी नॉब जा रही है, ये इसका जो है इंजन के अंदर ही आपको फ्यूज बॉक्स मिलता है। और यहाँ पे जो है वो आपको इसको क्योंकि ABS जो होती है वो बूस्टर ब्रेकिंग के साथ ही कनेक्टेड की जाती है, तो इसका ये ब्रेक ऑयल साथ है, साथ साथ जो है इसका बूस्टर ऑयल बूस्टर ब्रेक हब है, और यहाँ पे जो है इन्होंने इसका ABS का पावर सिस्टम दिया गया। अगर इंजन के अंदर देखा जाए तो आपको जो सिंगल कंडेंसर जो है वो सिंगल ग्रिल के साथ रेडिएटर ग्रिल मिलती है। एज कम्पेयर बॉडी का जो इसका जो बोनट का जो गेज है या पहले वेट है वो काफी हैवी है, बट एज पर ये जो इसकी जो पूरी जो बॉडी लुक है वो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि इसकी काफी हैवी लुक के अंदर आपको मिलती है। अगर आपने किसी ने जो है वो जीप्स का अगर जो मजा लेना चाहे तो जिसको बॉडी कट के अंदर आप देखें तो टायर्स के अंदर जो लुक्स मिलती है एज कम्पेयर वैसी ही इसके जो है इसके आपको टायर्स नजर आते। जहां तक इसके टायर्स की बात की जाए तो इसके अंदर 195/80R15 के जो है वो आपको टायर्स मिलते हैं, और इसके अंदर कंपनी ने बाय डिफॉल्ट जो है वो डनलोप के टायर दिए गए हैं। याद रखें गाड़ी जो है वो इम्पोर्टेड कार है, नॉट अभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट ये CBU यूनिट है, CKD नहीं है। गाड़ी की अगर साइड लुक के अंदर देखा जाए तो एज ए मॉकअप जो है आपको कुछ कह सकते हैं कि पुरानी जिमनी से जरा अच्छी शेप है, बट एज कम्पेयर जो है वो स्क्योर बॉक्स के अंदर लगती है। इसी के साथ जो है वो इसके साइड मिरर जो है नॉन रिट्रैक्टेबल्स हैं और बॉडी कलर के अंदर नहीं है, बॉडी कलर जो मैचिंग डोर्स भी नहीं है, बट जो इसका फ्रंट डोर है काफी वाइड एंगल के अंदर नजर आता है। एज कम्पेयर जैसे कि जीप है टाल बॉय है तो इसका यहाँ पे जो है इसका फुट पॉइंट होना चाहिए था, जहाँ से आप जो है उसको रख के लग्जरी गाड़ी की फील लेते हैं, मगर इसके अंदर नहीं है। गाड़ी के अंदर जो है प्लास्टिक की अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, बट इसके अंदर जो है पावर विंडोज नहीं है, मैनुअल मिलते हैं, ना ही आपको जो है इसकी क्रोमिंग का कोई ऑप्शन दिया गया। एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि इसके अंदर जो है आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, साथ ही साथ ABS बूस्टर ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जबकि इसके अंदर जो है वो 5 स्पीड जो है आपको मैनुअल गियर मिलता है, ऑटोमेटिक गियर स्पीड नहीं मिलता, बट इसके अंदर जो है वो लो गियर शिफ्टिंग विद अ 4-व्हील ड्राइव के साथ मिलता है। जहां तक गाड़ी की सीटिंग कुशनिंग का ताल्लुक है तो सीटिंग कुशनिंग एज कम्पेरेटिवली जो है वो इसकी बॉडी लुक या इसकी जो फीचर्स या इसकी जो बिल्कुल सादा होने के लिहाज से इसकी सीटिंग कंफर्टेबल सीटिंग कुशनिंग काफी सॉफ्ट है। गाड़ी के अंदर जो है वो पावर सीटिंग नहीं है, जबकि आपको मैनुअली एडजस्टमेंट 2-वे एडजस्टमेंट जो है वो इसकी करनी पड़ती है। पीछे एंटर होने के लिए एज कम्पेयर जैसे कि सुजुकी का ऑप्शन है, आप गाड़ी ये जो है सीट पीछे करेंगे और इसी के साथ जो है गाड़ी की जो है इसे ये सीट जो है आप उठा के इसको पीछे करेंगे, और उसके अलावा इसी को ही पुल करके थोड़ा सा आप गाड़ी के जो है वो सीट को पुश करेंगे तो ये गाड़ी की जो सीट है आगे को रिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी जो बैक सीट्स में जो है वो लोग एंटर हो सकते हैं, बट अगर देखा जाए गाड़ी की अगर सीट फुल पीछे है तो इसके अंदर जो है इन्फेंट या चाइल्ड ही इजीली बैठ सकता है, एडल्ट नहीं बैठ सकता, बट लग्जरी रखने के लिए काफ़ी जगह स्पेस इन्होंने दी हुई है, साइड पर भी काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं।
जहां तक रेयर का ताल्लुक है तो रेयर की जो सीट्स का जो कुशनिंग है वो एज कम्पेयर फ्रंट से सॉफ्ट कम है, बट फ्रंट वाली जो सीट्स हैं काफी लग्जरी और क्लासिक लुक में आती हैं। रेयर के जो शीशे हैं वो आपके जो है वो ओपन नहीं हो सकते, वो सॉलिड लुक के अंदर ही है, बट अगर गाड़ी का अगर एसी बंद है या गर्मियां हैं तो आपको जो है फ्रंट भी खोलने पड़ेंगे, रियर के आप ये शीशे नहीं खोल सकते। जहां तक गाड़ी के बैक का ताल्लुक है तो बैक पे आप देख बैक की लुक जो आपको इस तरह मिलेगी, रूफ पे जो है आपको FM एंटीना मिलता है, हाई ब्रेक माउंट लैंप मिलता है, रियर वाइपर की जो है वाटर नोजल मिलती है, उसी के साथ जो है वो रियर इसके जो विंड स्क्रीन उसके डिफॉकर्स हैं, और इसी के साथ एक जो एक अच्छी चीज जो इन्होंने दी है कि जो स्पेयर व्हील है वो भी डनलोप का जो है बाय डिफॉल्ट जेन्युइन इम्पोर्टेड कैटेगरी सुजुकी जिमनी के अंदर आपको मिलता है। रियर में आप देख सकते हैं सुजुकी का जो है लोगो है, ट्रंक ओपनर है, उसके बाद डनलोप का टायर है, जिमनी आल ग्रिप का साथ जो है वो इसका लोगो है। आल ग्रिप याद रखें एज कम्पेरेटिवली जैसे सुजुकी विटारा के अंदर है वही एज इट इज जो है इसके अंदर आल ग्रिप ही आती है, बट उसके अंदर जो है वो आपको एक नॉब मिलती है, इसके अंदर जो आपको गियर शिफ्टर मिलता है जो कि आपको टू व्हील फोर व्हील हाई लोप के अंदर चलाना पड़ता है। रेयर की जो लाइट्स हैं वो इसके बम्पर्स के अंदर ही हैं, ब्रेक है, साइड इंडिकेटर है, रिवर्स है, और ब्रेक के अंदर ही रिफ्लेक्टर का इन्होंने ऑप्शन दिया गया। रेयर का बूट हम जैसे ही ओपन करेंगे याद रखें ये पावर नहीं है बट जो है ये हाइड्रोलिक के साथ है, हाइड्रोलिक जो ग्रिल है एज कम्पेरेटिवली बाकी जो गाड़ियों के अंदर जो डिग्गी के अंदर लगाया जाता है, और रेयर का जो बूट लॉक करने के अंदर से भी ऑप्शन है। इसकी जो सीट्स हैं दोनों 60-40 तो नहीं कह सकते बट 50-50 स्प्लिट के साथ हैं, आप इसकी ये जो नॉब खींचेंगे और गाड़ी की जो है ये सीट हो जाएगी, और सीट्स के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है हेडरेस्ट भी जो है वो हाइट एडजस्टेबल है, उसी के साथ अगर आपके पास सामान ज़्यादा है और आपके पास दो पैसेंजर हैं तो आप इसकी सीटिंग फोल्ड करके यहाँ भी अपना आप सामान रख सकते हैं। गाड़ी की जो है वो इसकी जो अगर आप देखें तो इसके अंदर जो इन्होंने चीज़ें दी गई हैं जैक है, रॉड है, पाना है, और ये इसके अंदर जो है वो पंचर किट और जो कंप्रेसर नहीं है क्योंकि ये गाड़ियों के अंदर जो जैसे सुजुकी आल्टो के अंदर दिया गया वो नहीं है क्योंकि इसका स्पेयर व्हील जो है आपको बूट के बाहर ही लगा हुआ मिलता है। गाड़ी की अगर हम पीछे से देखें तो ऑल ओवर द लुक इसके इस तरह लगता है। जहाँ तक गाड़ी के इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जो ड्राइवर सीट के अंदर डोर है उसके अंदर जो आपको यहीं पर सिंपल लॉकिंग मिलती है, उसी के साथ जो है ऐसी क्रोमिंग नहीं है, बट बुक शेल्फ कह लें या साइड कंपार्टमेंट कह लें, दो स्पीकर जरूर दिए गए हैं गाड़ी के अंदर, बट जो है इसके अंदर कोई आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया, ना ही बैक रिवर्स बैक कैमरा मिलता है। अगर गाड़ी के इंटीरियर के अंदर देखें तो सुजुकी का सिग्नेचर स्टेयरिंग मिलता है, उसी के साथ जो है हेडलाइट कंट्रोलर मिलता है, वाइपर फ्रंट एंड रियर का मिलता है, मीटर एज कम्पेरेटिवली जिमनी सीरा जो कि इम्पोर्टेड अगर किसी ने कैटेगरी के अंदर देखा है तो उसी तरह का मिलती है, और अगर इसका हम सेंटर में देखें तो सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं आपको जो है दो चार एसी के वेंट्स मिलते हैं, दो इसके कॉर्नर एजिस पे हैं, दो इसके सेंटर में है। ये मल्टीमीडिया का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आप मल्टीमीडिया कोई भी लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, और यहाँ पे जो है इसका वो ये हैजर्ड कंट्रोल है, इसके साथ जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि मैनुअल दिया गया, उसी के साथ जो है इसका ये हिल असिस्ट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन आपको यहाँ पे मिलते हैं, आपने कोई अगर इसके अंदर ये दो फीचर्स नए ऐड किए गए, 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स है, उसी के साथ जो है वो इसका हाई लो गियर के साथ ही भी है, और दो एयर बैग्स के साथ ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ देखा जाए तो इसके सुजुकी कल्टस के साथ जो आपको दिया गया वहाँ पे इसी तरह जो है आपको यहाँ पे इसका जो सेंट्रल रीडिंग लैंप मिलता है, उसी के साथ जो है ये वैनिटीज जो इसके मिरर नहीं आपको मिलते। एज कम्पेरेटिवली अगर लेग स्पेस की बात देखी जाए तो मैं 5.9 inch का हूँ, तो मैं फुल सीट पीछे करके बैठा तो मैं इजीली कंफर्टेबल ड्राइव महसूस कर रहा हूँ, और सीटिंग कुशनिंग भी बड़ी जबरदस्त लगती है, हेडरूम भी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है इसी तरह क्योंकि टाल्बो है। जहाँ तक स्टेयरिंग का ताल्लुक है तो स्टेयरिंग के अंदर जो है वो इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल कंट्रोलिंग है, यहाँ पे जो है वो आपको इसकी नॉब मिलती है जिसको आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, और इसी के साथ जो है आपको इसको अपने हिसाब से हाइट कंट्रोलिंग कर सकते हैं, बट टेलीस्कोपिक नहीं है, फ्रंट एंड अप एंड डाउन पे अप एंड डाउन नहीं हो सकता, फ्रंट फॉरवर्ड फ्रंट बैकवर्ड नहीं है, बट अप एंड डाउन सिस्टम के साथ है। अगर फ्यूल लिड की बात की जाए तो फ्यूल लिड जो है एज कम्पेरेटिव आपकी लोकल CKD यूनिट्स के लिहाज से ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही आपको ड्राइवर साइड पे, तो जब ये कोई भी व्यूवर्स अगर नई नई गाड़ी लेता है तो उसके लिए फर्स्ट टाइम जो है इसको जरा मुश्किल होगा क्योंकि वो लगाया गया एज कम्पेरेटिवली लेफ्ट साइड नॉब समझ के, बट ये आपकी राइट साइड नॉब पे ही है। अगर आपको पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पागडील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ हमारे ब्लॉग को भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है रीडिंग आर्टिकल भी आपको एज सून एज पॉसिबल इसी गाड़ी का मिल जाएगा। हमारे चैनल को जो है बेल नोटिफिकेशन आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे लिए हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।